तो थॉर एक एस्कार्डियन गॉड है जो कि ओडिन का बेटा और पूरे नॉरियंस का प्रोटेक्टर है। क्योंकि थॉर एक गॉड है इसलिए उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं। और बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, थॉर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और सुपर हीलिंग जैसी पावर्स हैं। थॉर की एज बहुत ही स्लोली बढ़ती है इसलिए वो पिछले हजारों सालों से जिंदा था और अगले हजारों सालों तक भी जिंदा रहेगा, और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती रहती है। थॉर गॉड ऑफ थंडर है इसलिए उसके पास बहुत सारी थंडर रिलेटेड पावर्स भी हैं, जिसमें वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है, लाइटिंग स्ट्राइक कर सकता है और सुपर पावरफुल लाइटिंग अटैक्स भी कर सकता है। और उसके पास उरू मेटल से बने हुए स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर जैसे सुपर पावरफुल वेपन्स भी हैं, जो कि यूनिवर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, और ये वेपन्स इमॉर्टल बीइंग्स को किल कर सकती हैं। और बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और बड़े से बड़ा एनर्जी ब्लास्ट और अटैक से उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ये न्यूट्रॉन स्टार की कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी बीम तक को पॉइंट ब्लैंक रेंज से सर्वाइव कर चुका है। और एक स्किल्ड और एक्सपर्ट फाइटर है जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है और उसकी पावर्स के स्तर तक जा सकते हैं। ये हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था जब उसने छह इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करके थानोस का सीना चीर दिया था और उसकी आधे से ज्यादा आर्मी को अकेले ही मार डाला था।